नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। दोस्तों आज है 6 जनवरी 2019 और आज मॉर्निंग की शिफ्ट में एग्जाम हुआ है एचसेट 2018 का, टीजीटी का। इसको लेवल 2 भी हम कह सकते हैं या पेपर 2 भी बोल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं आंसर की एचसेट 2018 टीजीटी लेवल 2। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ में बेल का आइकन भी दबाइए वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लैंग्वेज इंग्लिश, भाषा इंग्लिश से इसकी शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, दे अराइव सून आफ्टर, द वर्ड आफ्टर इज यूज्ड एज। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर 47, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, ही इज डैश हिज ग्लासेस, ही इज लुकिंग फॉर हिज ग्लासेस। क्वेश्चन नंबर 48, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, आई टुक इट होम विद मी सी सेड, She just took it home. She said she had taken it home with her. तो दोस्तों इसका आंसर यही है ऑप्शन नंबर 2, She said she had taken it home with her. अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 49, Choose the correct passive construction for the given sentence. They were carrying the injured player off the field. तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 ही, The injured player was being carried off the field. क्वेश्चन नंबर 50, Choose the correct verb of the blank from the option below. The earth dash around the sun. तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, The earth moves round the sun. क्वेश्चन नंबर 51, Choose the word which is spelled correctly. तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर 2 है, disintegration, ये स्पेलिंग है बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 52 पे, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, वी आर गोइंग टू ड्राइव डैश द कंट्री। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा इन द कंट्री, वी आर गोइंग फॉर अ ड्राइव इन द कंट्री। क्वेश्चन नंबर 53, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, वी स्टेड डैश मुंबई फॉर 5 डेज। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इन मुंबई फॉर 5 डेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कंजेशन, grievances cannot be redressed dash they are unknown. तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, unless they are unknown. क्वेश्चन 55, choose the most appropriate model for the blank, when I was young I dash climb any tree in the forest. तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, I could climb any tree in the forest. क्वेश्चन नंबर 56, is a mystery about his death and the police are looking into it. The underlined phrasal verb means, तो दोस्तों इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर 1, to investigate. क्वेश्चन नंबर 57, hearing the noise, the boy woke up. तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4, participle. क्वेश्चन नंबर 58, he wore a turban made of silk. तो इसका आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 2, adverb phrase. क्वेश्चन नंबर 59, choose the correct word for the following expression, one who makes maps or chart. तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, cartographer. क्वेश्चन नंबर 60, fill in the blanks with the correct option, I have not heard the dash news. तो इसका आ जाएगा the latest news. क्वेश्चन नंबर अब आ गए हैं आगे आगे है अपना सामान्य अध्ययन, भाग नंबर 3 है जिसमें शामिल है एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड जीके एंड अवेयरनेस। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से, ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, तो ए का डी से क्या संबंध होगा। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4, दादा नाना। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए, 0, 5, 22, 57, 116। तो इसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद आएगा अपना 1, 205। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 63, एक टैंक 2/5 भाग भरा है, यदि इसमें 16 लीटर पानी और भर दिया जाता है तो वह 6/7 भाग भर जाता है, तो टैंक की कुल क्षमता है। तो दोस्तों टैंक की कुल क्षमता है 35 लीटर, ऑप्शन नंबर 2 है सही। प्रश्न नंबर 64, एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या होती है, 0, 1, 2, 3। तो दोस्तों पहली बात तो ये क्वेश्चन कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है, ये क्या पूछना चाहते हैं, एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या होती है। तो इसलिए हम छोड़ रहे हैं इस क्वेश्चन को, कुछ क्लियर होगा तो आपको बिल्कुल इसका आंसर मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 65, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए
जिसमें 12, 15, 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्षेत्रफल 8 आता है। तो दोस्तों इसका आंसर है 548, ऑप्शन नंबर 4 है बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 66, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है 25%, 40%, 33 सही 1/3%, 66 सही 2/3%। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 66 सही 2/3%। प्रश्न नंबर 67, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 294 को गुना करके एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाई जा सके। तो ये है 3, 4, 6, 12। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 6। क्वेश्चन नंबर 68, यदि भिन्नो 2/5, 3/8, 4/9, 15/5/13 तथा 1/16 को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो चौथे स्थान पर कौन सी भिन्न होगी? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2, 4/9। क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 69 पे, प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत होगा। तो दोस्तों क्या होगा? 8, 9, 8 सही 1/7, 8 सही 2/7। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 8 सही 2/7। प्रश्न नंबर अब आगे है 70 पे, असंगत को ज्ञात कीजिए, इनमें से हमें बताना है कौन सा असंगत है। तो ऑप्शन नंबर 3 है, वो है बिल्कुल असंगत। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 45, 46 से लेकर और 70 तक के 25 क्वेश्चनों की आंसर की। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद दूसरा वीडियो आपको अभी मिल जाएगा जिसमें आगे के आंसर की होंगी और इससे पहले के आंसर की। तो ठीक है दोस्तों, उसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, अगर ये वीडियो लगा है अच्छा तो इसको कीजिए लाइक और शेयर। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।